सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। बच्ची को आशीर्वाद दो गुरु माँ। भगवान करे तुम्हारा होने वाला बच्चा चांद सा खूबसूरत हो, तुम्हारा नाम रोशन करे, तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करे। खुश? अरे गुरु माँ, आप खुद आइए, ये तो आपका बड़प्पन है। बस आपकी दुआएं और आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए। एक बात कहूं, आज तक इतनी खूबसूरत किन्नर मैंने कभी नहीं देखी। ए बाबू, मुझे सब लोग यही बोलते हैं, अब बातें ना बनाओ। हाँ, सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, एक बार तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे एक बार बाहर मिलोगे? नाम क्या है तुम्हारा? आकाश। आकाश बाबू, तुम एक मर्द हो के एक किन्नर के साथ वक्त बिताना चाहते हो? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मर्द सिर्फ एक औरत से ही मिल सकता है और किन्नर से नहीं। बताओ, मिलोगी क्या? अच्छा सुनो, नाम तो बता दो। नाश्ते नाश्ते हमारा खाना हजम हो गया, आज तो घर जाकर सोना है। हाँ, मैंने भी बहुत ज्यादा खा लिया, पेट दर्द कर रहा है। गुरु माँ आप चलो, मैं टहल के आऊंगी। अकेले कहाँ टहलने जाएगी? हाँ, आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आती हूँ ना। जाने दो गुरु माँ, इसको कुछ भी नहीं होगा, वो लड़का है ना, इसको सही सलामत घर छोड़ देगा। कौन लड़का? ये माया किसकी बात कर रही है? अरे वही लड़का जिसके साथ नैनो से नैना लड़ा रही थी। आकाश, आकाश नाम है उसका। गुरु माँ, मैंने उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक क्या कर लिया, इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। क्या घूम मिल ले उसके साथ, घूम ले, हम भी देखते हैं किन्नर को पूरी दुनिया के सामने घुमाता है क्या वो? क्यों नहीं हो सकता? आकाश को मैं खूबसूरत लगी, वो मुझे जानना चाहता है, मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है,
ए सपना, हम किन्नरों की दुनिया बहुत अलग है, हम उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। तो जब से मोहल्ले जाना नहीं तो उसका पता क्यों पूछना, समझी? चल सीधे घर। ए सपना, हम भी देखते हैं किन्नर को पूरी दुनिया के सामने घुमाता है क्या वो। हम किन्नरों की दुनिया बहुत अलग है, हम उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। ए सपना, पागल हो गई है तू, हमेशा भूल जाती है। ये दुनिया वाले हम किन्नरों से दुआएं तो लेते हैं लेकिन कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनाते। हम किन्नर ही एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन तू मेरी बेटी है, मैं चाहती हूं मेरी गद्दी की वारिस तू बने। गुरुमा, गुरुमा, गद्दी तो मेरी ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये तो आकाश है। आकाश, आकाश भाई, हेल्प करो भाई। आकाश उठो। अरे संभल कर, तुम्हें सर पे चोट आई। तुम, मुझे तो लगा उस दिन के बाद तुम आओगी नहीं। तुम बाइक से गिर गए थे, तुम्हें मैं यहाँ लेके आई। तुम्हारे वॉलेट से तुम्हारे घर वालों का पता नहीं लगा। चलो अभी नंबर बता दो, उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। मेरा कोई नहीं है, अकेला रहता हूँ। वैसे तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे। मैं चलती हूँ। चलो अपना नाम तो बता दो। सपना। सपना, जब मैं ऐसे डिस्चार्ज हो जाऊंगा उसे मिलने आओगी? ख्याल रखना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा पीछा क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा, मेरी फूलों की दुकान है और इस कार की सजावट में जो फूल लगे हैं वो मेरी दुकान से है। क्या हुआ? तो प्यार करने से इतना डरती क्यों? क्योंकि मैं एक किन्नर हूं और इतना मैं समझती हूं कि कोई मर्द एक किन्नर से प्यार नहीं कर सकता। हर मर्द एक जैसा नहीं होता, किसी को बिना जाने समझे उसके बारे में राय बना लेना अच्छी बात नहीं है सपना। सी मेरा कार्ड, अगर मन करे ना फोन करना। मैं तुम्हें जानना चाहता हूं।
हर मर्द एक जैसा नहीं होता। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। सपना। सपना, कॉल करने के लिए थैंक्स। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने कॉल किया। कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अब मैं अब अच्छा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ठंडी कॉफी पसंद है या गर्म? दोनों। क्यों, कल मेरे साथ पीने चलोगी? हाय राम, कितने फास्ट हो तुम। वैसे कहाँ? MJ कैफे, 6 बजे। ठीक है, बाय। मछली फंस गई जाल में। माया, प्लान सक्सेसफुल। मुझे ना, मुझे पहले से मालूम था ये सपना खुद को रोक नहीं सकेगी फोन करने से। अरे हीरो, तू कोई गड़बड़ नहीं करना है? पता है इस मछली की कमजोर कड़ी है इसका दिल। इसके दिल को ना कस के अपनी मुट्ठी में रखना। अगर तूने सब कुछ सही सही कर दिया ना, तो तुझको मिलेंगे पूरे 5 करोड़। और मुझे मुझे मिलेगी गुरु माँ की गद्दी। जब देखो दारू दारू दारू, अरे दारू पीने के लिए पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? अरे पता है मुझे पापा, थोड़े दिन रुको, पूरे 5 करोड़ आपके सामने यूं फेंकूं। अरे इतने दिनों से रुके हुए ही तो है। अरे उस सपना किन्नर को 1 महीने से घुमा रहे हो, कभी होटल कभी रेस्टोरेंट, हाथ आना जाना तो कुछ है नहीं। और ये तो तू जानता है कि माया तुझे पैसे तभी देगी जब उसका काम खत्म होगा, इसलिए तू अपना प्लान आगे क्यों नहीं बढ़ाता? तो क्या करूं बताओ? अगर सपना को उसके समाज में सबकी नजरों से नीचे गिराना है, तो तुझे उसके समाज का हिस्सा बनना पड़ेगा। और क्या, मुश्किल जरूर है, पर इतना तो मेरा बेटा कर ही सकता है 5 करोड़ के लिए। यहाँ सपना समाज की नजर से गिरी और गद्दी हुई माया की, और 5 करोड़ हुए हमारे। है क्या हुआ, मेरे जानू का मूड क्यों खराब है? सपना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और मैं ऐसे चोरों की तरह तुमसे छुप छुप के मिलकर थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार इस दुनिया को पता चले। अब वक्त आ गया तुम्हारे घर वालों से मिलने का। हाय राम, आकाश तुम्हें कैसी बात कर रहे हो? आकाश, तुम मेरी गुरु माँ को नहीं जानते, वो कभी विश्वास नहीं करेंगी कि एक मर्द मुझसे सच्चा प्यार कर सकता है। वो तुरंत हम लोगों को अलग कर देंगी। ना बाबा, मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम कब तक अलग रहेंगे? हमारा फ्यूचर क्या है? हमें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और रही बात गुरु माँ की, उसकी टेंशन तुम मत लो, मेरे पास उनका विश्वास जीतने के लिए ना एकदम परफेक्ट आइडिया है। आइडिया? हाँ। सोच लो, मेरा साथ दोगी? समाज जो इसमें रहने वाले
लोगों से बनता है। इस तरह मर्द और औरत इस समाज का अभिन्न अंग है, वैसे ही किन्नर भी इस समाज का ऐसा अंग है। शायद बहुत कम लोग पसंद करते इसके बारे में बात करने। कुछ लोग किन्नरों को सहानुभूति से देखते हैं और कुछ लोग किन्नरों को दर्द और हैरानी से देखते हैं। शायद यही वजह है हमें समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किन्नर भी एक इंसान है और उसमें भी जज्बात है, और उनकी जज्बातों के साथ खेलने का किसी को भी अधिकार नहीं। मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ इस क्राइम अलर्ट के नए एपिसोड में। सत्ता की लालच अपनों को भी गद्दार बना देती है। माया किन्नर होते हुए भी गद्दी की लालच में गद्दारी अपनों से ही कर रही थी। वो जानती थी कि गुरुमा के बाद गद्दी सपना को मिलने वाली थी। शायद इसलिए उसने सपना की भावनाओं को अपनी जीत का जरिया बनाया, जिसमें उसका साथ दे रहा था आकाश और उसका पूरा परिवार। आखिर क्या मोड़ लेने वाला था जालसाजी का ये नया अध्याय, आइए देखते हैं। गुरुमा, ये आकांक्षा है, पास वाले सिग्नल पे मिली मुझे, इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। कहाँ से हो? इसी शहर से हूँ। छोटी थी तो माँ बाप ने बचपन में घर में छिपा के रखा, और जब बड़ी हो गई तो उन्हें शर्मिंदगी होने लगी और मुझे घर से निकाल दिया। अब तो इसका कोई नहीं है गुरुमा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसे भी अपनी टोली में शामिल कर लो। आय हाय, मैं अपना बिस्तर नहीं छोड़ के जाने वाली। हाँ, आज से ये हमारी टोली का हिस्सा है। गुरु माँ का आदेश है, तुझे सब अच्छे से सिखाया जाए। अरे तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन। अरे एकदम दिल खोल कर बेफिक्र होकर नाच मेरी जान ऐसे। तो बड़ी एक्सपर्ट निकली, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर में तेरा नाम होगा।
अरे गुरु माँ आ गए। गुरु माँ, गुरु माँ। सपना पांडे। हाय हाय, आज अच्छी कमाई हुई, गहने भी दिए और पैसे भी, वही बेटी की पैदाइश पे। जमाना बदल रहा है, लोग लड़कियों के होने पर भी उतनी खुशी मनाते हैं जितनी लड़कों के होने पर। अच्छी बात। हाँ गुरु माँ, आजकल लड़की और लड़का का फर्क जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम किन्नरों को भी ये दुनिया वाले अपना लेंगे। आकांक्षा, हर जश्न के बाद मैं अच्छा नाचने वाले को कुछ पैसे और कुछ गहने देती हूँ। आज सुना है तुम बहुत अच्छा नाची। इसमें से जो सबसे अच्छा लगे उठा लो। पागल है, ये तो बहुत हल्का है। अरे कुछ अच्छा भारी उठा। मेरे लिए यही काफी है गुरु माँ, आपने मुझे अपनी टोली में शामिल किया, आपने मुझे अपने इस परिवार का हिस्सा बनाया, ये मेरे लिए काफी है। ये तो पूरी ट्रेनिंग के साथ आया है, क्या डायलॉग मारा है। बस ऐसे ही गुरु माँ का दिल जीत ले आकाश, फिर मैं उन्हें बता दूंगी कि वो लड़का है और मुझसे सच्चा प्यार करता है। आपने मुझे अपनी टोली में शामिल किया, मेरे लिए यही बहुत है। क्या एक्टिंग करता है रे तू, मैदान में आते ही छक्के पे छक्का मारना शुरू कर दिया, बहुत ही है तू। अभी तूने मेरी एक्टिंग देखी कहाँ है, गुरु माँ तो फंस जाएगी। अबे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम लोग ये इतने लंबे बाल रखते कैसे। मैं तो गर्मी में हालत खराब हो गई, तुझे गर्मी नहीं लगती? हीरो 5 करोड़ कमाने के लिए ना लोगों के तेल निकल जाते हैं, तेरा सिर्फ पसीना ही निकला है। बस एक बार किसी तरह ना गुरुमा को फंसा ले, उसके बाद 5 करोड़ दे रहे और गुरुमा की गद्दी मेरी। दारू की इतना बड़ा धोखा, हाय हाय क्या खेल खेला रे तूने। माया ये तो मरद है, लेकिन तू तो हमारी अपनी है, तेरी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। तू गुरु माँ को मत बोलना, तू 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 जो बोलेगी ना मैं तेरे को देंगी, मैं तेरे को पैसे देंगी, तू बोलना कितने पैसे देंगे तुझे। गुरु माँ को मत बोल। हाथ छोड़ मेरा, तूने कोई लिपस्टिक नहीं चोरी की है, तूने गुरु माँ की गद्दी चुराने की, धोखे की सजा तो मिलेगी। क्या तू तो क्या करता है, तो मार दे उसको।
अरे तो क्या करता, जाके बता दी थी तेरी गुरु माँ को सब। अभी क्या करें? अभी कुछ नहीं, आराम से नौटंकी बंद कर और चल इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। चल देख क्या रही है, चल उठा। लाश को यहाँ क्यों फेंक दिया? शहर के बाहर फेंकते तो अच्छा रहता। कुछ नहीं होगा, पुलिस को किन्नरों के खून का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब ठीक है, अगला प्लान क्या है? कल तक तेरी सच्चाई किसी भी तरह सबके सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा के खून की सच्चाई मैं ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकती। चल चलते हैं। आ गया तो आने दो। अच्छा अगर गुरु माँ आ गई तो? बोल दूंगा आकांक्षा नहीं आकाश हूं, और सपना से बहुत प्यार करता हूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्या हुआ अगर उसे पाने के लिए मैंने थोड़ा सा नाटक किया तो? प्रेमा ये तो पराया है, लेकिन तुमने तुमने गुरु माँ को कैसे धोखा दे दिया? मैं उन्हें सब बता दूंगी। प्रेमा 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 ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अभी जाके सब कुछ सच सच बता देगी कि मैं आकांक्षा नहीं आकाश। माया अब तुझसे मुझे पहली किस्त लेने का वक्त आ गया है। माया सपना मैं ये तो जानती थी कि तू काम की कच्ची है, ये भी जानती थी, लेकिन एक आदमी के लिए झूठ बोलेगी मुझसे? नहीं गुरु मां, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। यकीन नहीं हो रहा मुझे कि अपने बात तुझे गुरु मां बनाना चाहती थी। इतने लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा किया तुझे, एक आदमी के लिए धोखा दिया तूने, धोखा। नहीं गुरु मां, आकाश बहुत अच्छा लड़का है गुरु मां, इसे एक मौका दो अपनी बात रखने का। गुरु मां कुछ नहीं सुनना मुझे, बहुत दुनिया देखी है मैंने, तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। अंदर से कुछ और होते हो और बाहर से कुछ और। देख क्या रहे तुम लोग, निकालो इसे यहाँ से। नहीं गुरु मां नहीं, देखो इसे आकार, गुरु आकार नहीं गुरु, अगर इस लड़के से मिलने की कोशिश भी की ना, तुझे मेरी कसम है मेरा मरा मुंह देखेगी, कभी इससे बात नहीं करना। नहीं गुरु मां, आधा काम तो हो गया। मम्मी पापा जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहा है? आओ तो सही पापा। क्या हुआ, चिल्ला तो ऐसे रहा जैसे हमारे लिए सोना चांदी ले आए। वही तो लाया हूँ तुम्हारे लिए सोने का हार। माँ
मेरा बेटा है। ऐश करो ऐश। यानी सारे पैसे मिल गए? हाँ माँ, हमारा प्लान कामयाब हो गया। माया का रास्ता साफ हो गया, उसको मिलेगी गद्दी और हमें मिलेंगे पूरे। आज करो। अरे तो बाकी के पैसे कहाँ हैं? दे ना। अरे पापा सब्र करो, माया को गद्दी मिलेगी और हमें मिलेंगे पूरे 5 करोड़। बस थोड़े दिन और, उसके बाद हमारा करोड़पति बनने का सपना पूरा। अब तो गहनों की लाइन लग जाएगी, अब तो वक्त मारा है। अगर कोई आप पे आग बन करके भरोसा करे तो उस भरोसे का गलत फायदा उठाने में कोई चालाकी या अकलमंदी तो नहीं, आपकी खुद की इंसानियत का हार है। जब सपना ने आकाश को बचाया तब उसने ये नहीं सोचा कि वो मर्द है या औरत, उसने इंसानियत का फर्ज निभाया। लेकिन आकाश ने क्या किया, उसने सपना की अच्छाई का गलत फायदा उठाकर अपनी लालच और घटिया सोच का उदाहरण दिया। अपनी इसी घटिया सोच के कारण उसने मनीषा का खून कर दिया। आकाश और उसके परिवार वालों के लिए पैसे से बढ़के कुछ नहीं था। 5 करोड़ की लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था, पर कब तक? क्या कुछ और भी होना बाकी था? नहीं उठा रही। ये क्या कर रहा तू? तिजोरी में पैसे खत्म हो रहे हैं और वो माया ने कुछ पैसे दिए नहीं और तू है कि फोन तोड़ रहा है। अरे मुझे तो लग रहा है ना इस माया का पैसा देने का कोई इरादा नहीं है। अरे कैसे नहीं देगी, इतना बड़ा गेम प्लान किया, ट्रेनर बना, अरे मेहनत की कमाई है लेके रहूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तमाशा लगा कर रखा है, इधर क्यों आया तू? अरे मेरा फोन टूट गया था, मुझे लगा तू मेरे को फोन कर रही होगी पैसे देने के लिए, समझी? तू परेशान ना हो इसलिए इधर आया हूँ, चल पैसे दे मेरे। 5 करोड़ के मैं जेब में लेके घूमती हूँ, कहाँ से दूँ? तेरे घर चलते हैं, तिजोरी से निकाल के दे। देख तू तमाशा मत करा, मैं तेरे को पहले ही बोली थी कि पैसा मैं तेरे को काम खत्म होने के बाद दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं गुरुमा बनूंगी ना तो दे दूंगी। गुरुमा गद्दी, अरे कब मिलेगी तेरे को गुरुमा की गद्दी? अरे पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा था कि ये गुरुमा अब तक फैसला ले लेगी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। गुरुमा के दिमाग में क्या चल रहा है इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी। और सुन, अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो गुरुमा के सामने ना तेरा ये जो नाटक है ना खत्म, समझे?
उखाड़ ले, उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है। धमकी दे रहा है, किन्नर को धमकी दे रहा है। ये वैसे भी तेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। आया बड़ा किन्नर को धमकी देने वाला। हलचल हट। अब देखो मैं क्या करता हूं। बाबा मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा जन्म तो लड़के के शरीर में हुआ है, लेकिन मैं शरीर से खुश नहीं हूं। मैं किन्नर बनना चाहता हूं। मेरी मदद कीजिए बाबा, मदद कीजिए। सपना कब तक मुंह लटकाए बैठी रहेगी? आकाश बाकी मर्दों जैसा नहीं था, वो मुझसे सच्चा प्यार करता था। गुरु मां आप गलत हैं। बंद करो ये सब। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग जिन्होंने मेरे बच्चे की ये हालत कर दी। क्या हुआ कहां से? क्या हुआ? मुझे कुछ मत कहो, मैं आगे से कभी भी तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? ज्यादा भोली मत बन। तुम सब ने मेरे बेटी को, इकलौते बेटी को किन्नर बना दिया, और अब ये अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। झूठ, एकदम झूठ। झूठ क्या है और सच क्या है, इसका फैसला पुलिस करेगी। आकाश हमें साफ साफ बताओ, डरो मत। इंस्पेक्टर साहब, पिछले हफ्ते मैं किन्नरों से सड़क पे मिला, मैंने इनका नादानी में मजाक उड़ा दिया, इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने ठान लिया कि मुझसे बदला लेंगे। फिर कल सपना, माया और ये गुरु मां और वशी ने मिलकर के बीच रास्ते से गाड़ी में डाला। मुझे किन्नर बना दिया। ए लड़के, झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है ये। ये क्या कह रहे हो आकार, और क्यों? एक कल मोहित तू चुप कर। इंस्पेक्टर, मैं आपको बताती हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इसकी नजर हमारी दौलत पे है कि हम किन्नरों की दौलत हथियाना चाहता है। मैंने इसके साथ में डील की थी कि ये किसी भी तरह सपना को गुरुबा की नजरों में गिरा दे तो मैं इसे 5 करोड़ रुपया दूंगी। लेकिन मैंने कोई गलत नहीं किया, बचपन से आपकी सेवा मैं करते आई, और जब जब गद्दी देने की बारी आई तो आपने इस कल में सपना को दे दी, इसलिए मैंने ये डील की। लेकिन मैं कसम खा के बोलती हूँ, मैंने मनीषा को नहीं मारा, दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। आप ही बताइए, कोई मर्द पैसे लेकर किन्नर बन सकता है क्या? ये नाक पीटा, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमको जो भी कहना पुलिस स्टेशन चल के कहना, ले चलो इनको। अरे कीड़े पड़ेंगे तुमको, इजला पड़ेगा तू। बन गया ना अपना काम। ये माया अगर सीधे सीधे पैसे दे देती तो इन सबको जेल नहीं जाना पड़ता, और तुझे भी ये किन्नर बनने के डर से गुजरना नहीं पड़ता। सब्र का फल मीठा होता है पूनम। अब इन किन्नरों की प्रॉपर्टी और पैसा सब अपना हो गया।
किन्नरों की जिंदगी में वैसे ही बहुत मुश्किलें हैं। ये समाज ना हमें प्यार देता है ना इज्जत देता है, इसलिए उसे पाने का मौका हम गलती से भी नहीं छोड़ना चाहते। गद्दी से मिलने वाली इज्जत थी, ये उसका लालच कैसे छोड़ देती। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम किन्नर ही एक दूसरे की ताकत है और एक दूसरे की कमजोरी है। खैर रारित, ये सब भूल जाओ, ये सोचो कि आगे क्या करना है। हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। जेल में कौन सा कदम उठाओगे? अब तो जेल में नाचो और इन हवलदारों का मनोरंजन करो। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जान, तुम्हारे बिना ना रहा नहीं जाता। तू इस धोखेबाज के लिए मत रो सपना। गुरुमा सही कहती थी, किसी मर्द पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं भी तो मर्द कहाँ हूँ, तुम में से ही तो हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। मैं किन्नर बनना चाहता हूँ। तू जैसे मक्कार के ऊपर भरोसा करके मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। तो भरोसा ही नहीं किया जाता, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है तू। सीधा मुद्दे की बात करें, आप लोगों की बेल तो होगी नहीं, और अगर आप लोग कोर्ट जाएंगे तो वहां भी मैं आपको आसानी से गलत साबित कर दूंगा। इसलिए सपना इधर आओ। इसमें लिखा है कि आपने अपने पूरे होश व हवास में अपने गहने जायदाद और सारा पैसा मेरे नाम कर दिया है। हाय हाय, करम जले, नास पिटे, सड़े, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अब साइन मत करना गुरु। फिकर मत कर सपना, 2-3 लाख दूंगा ना तुम लोगों को खाने पीने के लिए, और फिर यहां से निकलने के बाद तुम लोग शादी में भी तो डांस करोगे, गोद भराई में भी जाओगे, ना तो कमाई लोगे। साइन करो। ले। अरे आराम से। थैंक यू, आपसे डील करके मजा आया। अब आप लोगों की बेल हो जाएगी, मैं जबान का एकदम पक्का हूं। पर आप लोग डांस करिए और इन हवलदारों का दिल बहलाइए, है ना? आप जल्दी आओ, चलो चलो। अरे तूने सब कुछ ले तो लिया ना, कहीं कोई महंगी चीज छूटी तो नहीं? माँ, इन सब के लिए मैंने कितना त्याग किया पता है ना? अपनी मर्दान की खोई है मैंने, अब ये सब मेरा है। अरे ये सब कुछ करोगे? चल कर लिया लो, चल। ए, रुको। तुम सब? हाँ हम सब। तूने बहुत ही अच्छी चाल चली थी, बड़ी आसानी से मुझे यकीन दिला दिया कि तुम उससे प्यार करता है, और बस तेरी वजह से मैं अपने किन्नर साथी को गलत समझकर उनसे नफरत करने लगी थी। मगर तूने एक गलती कर दी, अगर तू हमें यह नहीं बताता कि तू किन्नर कैसे बना, हम अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाते। तू जानता है किन्नर होने की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो ये कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, और हमें यह भी पता होता है कि कोई आदमी अगर किन्नर बनना चाहे तो प्रथा हमारे सिवा और कौन करता है। बाबा सच बता दो दुनिया के सामने। जी हां, ये तीनों लोग मुझे मिलने आए थे,
मैं किन्नर बनना चाहता हूं। इनका पूरा काम कर दिया, ले चलो इन्हें। किन्नरों की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहां पे उन्हें अलग होने का एहसास दिलाया जाता है। किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं, लेकिन गलत इरादे से किन्नर बनना एक संगीन अपराध है जिसके लिए आकाश और उसके पूरे परिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की छानबीन के बाद माया को भी हिरासत में ले लिया गया। पैसों की लालच ने आकाश को इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने पुरुषार्थ की बलि चढ़ा दी और यहाँ तक उसके माता पिता ने इस घिनौने अपराध में उसी का साथ दिया। पैसों के लिए इंसान इस हद तक जा सकता है सोच के भी हैरानी होती है। चलते चलते बस इतना ही निवेदन करूँगी कि आप जैसे हमारी भी भावनाएं होती हैं। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।